हम सभी को पता है कि बिहार बोर्ड कक्षा दसवीं की परीक्षा फरवरी में होने वाली है, तो आप हार मत मानिए, अपना तैयारी करते रहिए, क्योंकि हारता वही है जो कुछ करता नहीं है। और आपका काम यह है कि आप इस वीडियो को देखिए, इसमें बताए गए क्वेश्चन को लिखिए और याद कीजिए, और बार बार इस क्वेश्चन को लिख लिख कर प्रैक्टिस कीजिए। आप एक क्वेश्चन को अगर 2 से 3 बार लिख लिख कर याद करते हैं तो आपको यह क्वेश्चन दिमाग में सेट हो जाएगा, और अगर एग्जाम में यह क्वेश्चन आया तो मात्र 2 नंबर वाले क्वेश्चन को बनाने में 10 से 15 मिनट का समय लगेगा। तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है और इस वीडियो में कौन ऐसा क्वेश्चन बताया गया है जो आपके बोर्ड एग्जाम में फायदेमंद हो सकता है। अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं, एक उदाहरण दें। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी अवक्षेप का निर्माण होता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे लेड नाइट्रेट विलयन में पोटेशियम आयोडाइड विलयन को मिलाने से पोटेशियम नाइट्रेट विलयन और लेड आयोडाइड का पीला अवक्षेप बनता है। समीकरण आपके सामने लिखा हुआ है कि PbNO3 का होल ट्वाइस प्लस 2Ki तिरछिन PbI2 और प्लस में क्या है तो 2KNO3। यहाँ पे पीला अवक्षेप के रूप में क्या बनता है तो लेड आयोडाइड PbI2, लेड आयोडाइड जो है इसमें क्या है पीला अवक्षेप है, इसलिए इस अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। अगला क्वेश्चन यह है कि उदासनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, एक उदाहरण दे। उदासनीकरण अभिक्रिया का परिभाषा बहुत तरह से हम लिख सकते हैं, लेकिन मैंने आपके लिए सबसे आसान परिभाषा खोज कर लाया है। क्या है कि द्वि विस्थापन अभिक्रिया जब अम्ल एवं क्षार के बीच होता है तब उसे उदासनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे में क्या है कि HCl प्लस NaOH क्या बनता है तो NaCl प्लस H2O। यहाँ पर क्या है HCl अम्ल है, NaOH क्षारक है, और NaCl क्या है लवण है, और H2O जल है। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल और क्षार आपस में आयनों का अदला बदली कर लवण और जल का निर्माण करता है उसे हम उदासनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो टोटल क्वेश्चन हो चुके हैं 12। आप सभी वीडियो को लगातार देखिए और अपना तैयारी करते रहिए, हार मत मानिएगा, क्योंकि एग्जाम आपका होगा ही, तो आप अपना तैयारी जारी रखिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।